हेलो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन ऑफ टेस्ट में बनने जा रही मटन बिरयानी, जो कि बहुत ही लाजवाब बनेगी। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आपने आज तक जितनी भी बिरयानी बनाई होगी, इसमें ये सबसे कम मसाले में और सबसे टेस्टी बनी होगी। इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे, मसाले सिर्फ वही है जो बेसिक आपके किचन में मिल जाएंगे। इसमें दही, टमाटर या जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा डलती हैं, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं डली, लेकिन टेस्ट से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सबसे पहले इसके लिए हमने एक कुकर रखा है, उसमें दो प्याज काट के डाली है और जिसको ब्राउन होने के बाद निकाल लिया है। इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे और आगे चल के बताएंगे कि इसका क्या काम है। इसके बाद 150 ग्राम प्याज काटी है और उसको भी तेल में डाल देंगे। इस प्याज को पूरे तौर पर लाल नहीं करना है, इसको बस थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए, थोड़ी पक्की पक्की सी हो जाएगी, तब यहीं पर इसमें मसाले ऐड करने हैं। बिरयानी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन ये इतनी झंझट से बनाई जाती है कि इसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, तब कहीं जाके टेस्ट आता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आज आपको कम मसाले में बहुत ही टेस्टी बिरयानी बन तैयार मिलेगी। इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि नमक हम चावल में भी डालेंगे, और 1 चम्मच लाल मिर्च डाला है। मिर्च अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इसको घटाएँ, बढ़ा भी सकते हैं। और थोड़ा प्याज जब कच्ची रहेगी तभी इसमें डालना है, इस प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें मटन हमने 300 ग्राम डाला है, इसको पहले से धो के बॉयल करके रख लिया, तब उसको डाला है। अब इसको अच्छे से चला देंगे। अच्छे से चलाने के बाद इसमें ज़ीरा डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला हमेशा घर का पिसा हुआ जब भी डालेंगे आप, तो हांडी में बहुत अच्छा मज़ा आएगा। बाज़ार के गरम मसाले में कोई भी टेस्ट नहीं आता है। अगर आपको गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में को लिख कर पूछ सकते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे और इसको 3-4 सीटियों के लिए रख देंगे, प्रेशर लगा देंगे। और साथ ही में अपने चावल की भी तैयारी कर लेते हैं। चावल हमने पहले से भिगा के रखा है, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके लिए हमने दूसरा कुकर लिया, उसमें पानी डाल देते हैं। पानी जब खोलने लगेगा तो उसमें हम अपने खड़े गर्म मसाले डालेंगे। खड़े गर्म मसाले में तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची और नमक डाल देंगे। अब जब पानी खोल जाएगा, पानी खोलेगा तो इसमें मसालों की खुशबू अच्छे से आ जाएगी। अब इसमें हमने जो 500 ग्राम चावल को सोख करके पहले से रखा उसको डाल देंगे। चावलों को एक बार दो बार जब भिगाते हैं तब धो लेते हैं, और जब चावल इसमें ट्रांसफ़र करने लगते हैं तो भी एक दो बार धोते हैं अच्छे से, ताकि उसमें कोई भी गर्द या खिसक बाकी ना रह जाए। चावल डिपेंड करता है आपने कितनी देर भिगाया और आपकी गैस की फ्लेम पे। हमने चावल 2 घंटे भिगा दिए थे, चावल मेरे बिल्कुल सॉफ्ट हैं। इसको हम सिर्फ 5 मिनट ही पकाएंगे, 5 मिनट पकाएंगे तो मेरे चावल गले गले से हो जाएंगे। बिरयानी के चावल बहुत ज़्यादा निकलना चाहिए, लेकिन इतना निकलना चाहिए कि वो टूटने लगे। चावल को हम एक छलने में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चावल में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो तसले में आ जाएगा, और छलने में सूखे सूखे चावल बचे हैं। सारे चावलों को हम इस तरह से फैला देंगे ताकि इसमें ज़्यादा गर्म सी भाप रहेगी तो वो जल्दी गल जाएंगे। अब हम अपनी अखनी को चला लेते हैं। देखिए, अखनी बिल्कुल से भुन रही है, अब इसमें कोई पानी नहीं बचा है, और ये गोश्त जैसा हमको गला हुआ चाहिए वो भी गल चुका है। लेकिन थोड़ा सा 2-4 हाथ इसको हम और भून लेते हैं। इसको भून लेंगे, अच्छे से चला देंगे। उधर मेरे चावल भी तैयार हो गए, चावल का पानी निकल चुका है और उसकी भाप भी थोड़ा निकल चुकी है, चावल अब सूखे सूखे से हो गए हैं। यहाँ हम गोश्त अपने तैयार कर ले रहे हैं। गोश्त को थोड़ा सा बस और चलाना है ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल बाकी ना रहे। कोई भी नॉनवेज चीज़ जब भी बनाए तो उसमें गरम मसाला डालना है, अदरक लहसुन अच्छे से डालना है, और उसकी भुनाई बहुत अच्छे से करना है। अगर ये ठीक से भुना नहीं रहेगा तो आप चाहे जितने भी मसाले डालेंगे वो कभी भी टेस्टी नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम थोड़े चावल को लेंगे। थोड़े चावल मतलब जब हम 500 ग्राम चावल की बिरयानी बना रहे हैं तो इसको 2 बार परत लगाएंगे। अगर ज़्यादा चावल बनाएंगे तो उसको 3-4 बार भी परत लगा सकते हैं। अब इसमें आधा चावल हमने डाला है, जो अखनी बनाई उसको सारी अखनी को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अखनी को ट्रांसफ़र करके थोड़ा फैला देंगे, और जब एक बार ये अखनी पूरी डल जाएगी तो उसके बाद जो मेरे पास बचे हुए चावल हैं उनको भी डाल देंगे। चावल को छन्ने में डालने के बाद थोड़ी देर रखना ज़रूर चाहिए ताकि उसकी भाप निकल जाए। जब भाप निकल जाती है तो वो चावल टूटते नहीं है। अगर चावलों को आप भाप निकल फौरन के फौरन ट्रांसफ़र कर देंगे, कुकर में परत लगा देंगे, तो गरम गरम चावल टूट जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत टिप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी बिरयानी कभी भी ख़राब नहीं होगी। अभी हमने ऑरेंज कलर को घोल के रखा था, इसको डाल देते हैं। इसको पूरे में नहीं डालना, बस थोड़ी सी जगह पर डालेंगे, और जब चलाएंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने से हर तरफ फैल जाता है। और जो हमने प्याज निकाल के पहले रखी थी ना, उसको अब डाल देंगे, और थोड़ा गर्म मसाला डालेंगे।
प्याज को बाद में यहाँ पर डालना है। थोड़ा प्याज, दो प्याज लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा रहती है तो जब चलाएंगे तो वो पूरे बिरयानी में फैल जाती है। अब ये प्याज, गरम मसाला और केवड़े की खुशबू बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब आ रही है। ये तो आपको तभी समझ में आएगी जब आप खुद इसको बनाएंगे। हमने तो बिरयानी बना ली, आप भी टेस्टी बिरयानी को जल्दी से बनाइए और ख़ुद भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। देखिए मेरी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। जितनी भी बिरयानी आपने देखी हो उसमें सबसे कम मसालों की बिरयानी ये है और टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। टेस्ट आपको वैसा ही मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।